हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी करने वाले हैं क्लास 12th का। इसमें चार चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस है, अभी फिफ्थ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ चैप्टर में डिस्कस क्या क्या करना है, प्राइमरी एक्टिविटीज सारी करनी है। देखो, इससे पहले हम चार चैप्टर कर चुके हैं। चार चैप्टर में पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़ करना है हमें। उसके बाद सिक्स चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सेवन चैप्टर टर्शियरी एक्टिविटीज़, एट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, और उसके बाद एक और चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। तो बस अब ख़त्म ही होने वाला है, 4 दिन और लगेगा। इस चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में करेंगे क्या क्या। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम सबसे पहले करेंगे जो घुमंतू भोटिया होते थे, जो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद पशुपालन डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के बहुत सारे टाइप्स, पशुपालन के भी टाइप्स। उसके बाद लास्ट टॉपिक करेंगे माइनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यही है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। रेड कॉलर जॉब इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली आउटडोर में ही होता है, क्योंकि आप रेड कॉलर जॉब मतलब आउटडोर का ज़्यादातर काम इसमें मैनुअल लेबर टाइप का होता है, या और भी कोई जॉब थोड़ा बहुत होता है, तो रेड कॉलर जॉब बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पहला है हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग का मतलब होता है कि आप जानवर को मारते हो और खाते हो। गैदरिंग का भी मतलब यही होता है कि फूड को गैदर करते हो। फूड को गैदर का मतलब है फ्रूट्स को गैदर करना और उसको खाना। तो ये ज़्यादातर ये खेती बहुत प्रिमिटिव सोसाइटी में होती थी, और कोई भी अर्लीस्ट ह्यूमन अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट पे भी पे ही डिपेंड होता था, अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपसस्टेंस के लिए। भाई आपको खाना चाहिए, तो आप बगल के इन्वायरमेंट में देखोगे जो जो जानवर है उसको मार दोगे, या जिस जानवर को आप खाना चाहते हो, और या जो होता है फ्रूट्स को तोड़ के खा लोगे। तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादातर एनिमल की हंटिंग कर सकते हो और एडिबल प्लांट को गैदर कर से के खा सकते हो। तो आप हंटिंग एंड गैदरिंग बेसिक बेसिक मतलब समझ गए कि क्या होता है। तो आपको ये तो पता चला होगा, इसमें टेक्नोलॉजी एकदम बेसिक रही होगी, यानी ये सब बहुत समय पहले ऐसा होता होगा, अभी भी कहीं कहीं पे होता है ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीड क्या आपको इसके लिए, आपको फ्रूट्स तोड़ने के लिए क्या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नहीं भाई, नीड कोई ज़रूरत नहीं, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। आपको बस एक छोटा सा औजार चाहिए होता होगा, हथियार चाहिए होता है जानवरों को मारने के लिए। लो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है गैदरिंग कहाँ पर प्रैक्टिस होती है। गैदरिंग ऐसे एरिया में प्रैक्टिस होती है जहाँ पे नॉर्मल खेती वगैरह नहीं हो सकती, और ये बहुत पहले होती थी। अभी गैदरिंग वगैरह बहुत कम होती है, लेकिन गैदरिंग हम ऐसा नहीं बोल सकते कि गैदरिंग एकदम ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि गैदरिंग को अब कमर्शियल लेवल पे लोग यूज करते हैं। देखो, जो मान लो जम्मू एंड कश्मीर, या बात करें हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे एप्पल की खेती होती है। तो एप्पल के खेती में जो एप्पल को गैदर करते, हाथी से तोड़ के गैदर करते हैं ना, भले उसको कमर्शियली बेचते थे, तो गैदरिंग जो पहले होता था लोग अपने खाने के लिए यूज करते थे, अब बेचने के लिए यूज करते हैं, लेकिन गैदरिंग अभी भी होती है। तो गैदरिंग ज़्यादातर कहाँ पर होती है, हाई लैटीट्यूड एरिया, हाई लैटीट्यूड एरिया में होती है। हाई लैटीट्यूड मतलब ऊपर, जैसे इक्वेटर से जितना दूर बात करो हाई लेटीट्यूड एरिया होता है। जैसे इसमें नदन कनाडा हो गया, नदन यूरासिया हो गया, सदन चिली हो गया, या ऊपर की बात करो बिल्कुल नीचे की बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल कम है, लोग ज़्यादा कम रहते हैं, तो यहाँ पे अभी भी गैदरिंग प्रैक्टिस होता है। उसके अलावा लो लैटीट्यूड जोन, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नदन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे डेजर्ट वगैरह वाला एरिया है, यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर की फैसिलिटी नहीं है वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गैदरिंग, ऐसा नहीं कि गैदरिंग ख़त्म हो गया, कि जैसे हम एंशियंट सोसाइटी अब नहीं रहे, अब हम मॉडर्न हो गए, अब हम गैदरिंग और हंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी होता है। गैदरिंग इज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन लेकिन वो मार्केट ओरिएंटेड हो गया है और कमर्शियल हो गया है। जैसे हम फ्रूट्स को तोड़ते हैं और उसको बाजार में ले जाके बेचते हैं, पहले क्या होता था तोड़ के खुद खा लेते थे, क्योंकि हमें बस चाहिए होता था कि हम जैसे तैसे ज़िंदा रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है
पैस्टोरलिज्म, पैस्टोरलिज्म का मतलब होता है पशुपालन। पशुपालन भी अनेक तरीक़ों से होता है, या तो पशुपालन आप सिर्फ आप इतना करते हो कि बस बस हमारी लाइफ चल जाए, पशु से हमें मिल्क मिल जाए, या पशु से और भी बहुत चीज़ें फायदे होते वो मिल जाए, बस हमारा दिन चल जाए। तो पैस्टोरलिज्म होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। भाई आप डोमेस्टिकेट जानवर को पालोगे, ये डिपेंड करेगा ना कैसी ज्योग्राफी में आप रह रहे हो। भाई क्या आप ऐसी ज्योग्राफी में जानवर को पाल सकते हो जहाँ पे ना घास मिल रहा है, ना जानवर को रहने के लिए अच्छा जगह है, ना इन्वायरमेंट है, नहीं पाल सकते। कोई टेक अगर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी तो चाहिए ना, वो भी नहीं है तो आप नहीं पाल सकते। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के समय में पशुपालन दो तरीके के लिए होता है, एक तो सब्सिस्टेंस मतलब बस अपने फायदे के लिए मेरा काम चल जाए बस, एक होता है कमर्शियली। कमर्शियली कि आप क्या कर सकते हो, पशुपालन इसलिए करते हो कि बहुत सारा मिल्क है, इसलिए उसको मैं मिल्क को फिर मार्केट में ले जाके बेचूँ, ठीक है ना। देखो तो इसमें दो टाइप का होता है, ध्यान देना, दो टाइप का कौन 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 से होता है। एक होता है नोमैडिक हर्डिंग और एक होता है कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। नोमैडिक हर्डिंग और कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, समझ गया। दो दो टाइप का होता है पैस्टोरलिज्म, दो टाइप का होता है पशुपालन, भी दो टाइप का होता है, एक नोमैडिक हर्डिंग एक कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग होता क्या है, ये क्या होता है, ये जानवर को पालते तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। नोमैडिक हर्डिंग और पेस्ट्रल नोमैडिज्म जब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, जिसमें हर्डर क्या करते हैं, जानवर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से, और जानवर की को इसलिए पालते हैं कि उनको फूड मिल सके, उनको क्लोथ मिल सके, उनको शेल्टर मिल सके, टूल, मतलब इन सब के लिए जानवर को पालते रहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब नोमैडिक कम्युनिटी जो होती है ऑक्यूपाई करती है एक वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी। देखो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि आप एक नोमैडिक हर्डिंग ग्रुप के पार्ट हो, तो आप यहाँ पहाड़ के पास नीचे रह रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही जैसे मान लो गर्मी आ गई तो आप प्लेन से ऊपर माउंटेन में चले जाओगे, जैसे ठंडी आ गई तो माउंटेन से प्लेन में चल जाओगे। इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना जगह बदलते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अपर लैटिट्यूड पे ठंडी है, तो जैसे ही ज़्यादा विंटर के समय में आप इधर आ गए, गर्मी के समय में आप इधर चले गए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है तीन मेन रीजन है, तीन इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग बहुत अच्छे से होते हैं। सबसे पहले अटलांटिक शोर के पास होती है, उसके ठंडा रीजन पे होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, विंटर जैसे ही होता है ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद कहाँ पे होता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी होता है, एंड मेडागास्कर जो है ना, मेडागास्कर वाला जो आइलैंड है वहाँ पे भी होता है, ठीक है ना। तो तीनों रीजन आप ध्यान में रख लेना, उतना ज़रूरी भी नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई आप आज के दिन में जो नोमैडिज्म है या पेस्ट्रल नोमैड्स है वो डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। मेन कारण है पॉलिटिकल बाउंड्री। पहले ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ से इसका अपना देश, इसका अपना देश। पहले इनको जहाँ जमीन मिलती थी चराने के लिए, जो जानवर को खाने के लिए जो होता है ना घास, जहाँ तक मिलती थी चले जाते थे। अब क्या हुआ, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, तो अब जा नहीं पाते, जाएंगे तो इनको पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद न्यू सेटलमेंट प्लेन्स बाय डिफरेंट कंट्री, ये एक ही बात हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है ये हमें देख लिए, उसका तीन इंपॉर्टेंट रीज़न है क्यों डिक्रीज हो रहा है ये भी हमें पता है। उसके बाद कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, भाई जानवर की पशुपालन करते तो हो, लाइफ स्टॉक के पालन करते तो हो, लेकिन अपने फायदे के लिए कमर्शियली, तो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज एंड कैपिटल इंटेंसिव है। क्योंकि आपको अगर मान लो आपको मिल्क बेचना है, तो आप पहले क्या करोगे, काऊ पालोगे, तो काऊ पालो के लिए उसको खाने पीने की व्यवस्था करवानी पड़ेगी, उनके लिए लोग रखने पड़ेंगे जो उनको समय पे खाना दे और उनको साफ़ सफाई का फोकस ध्यान रखे। तो ये ज़्यादातर होता है वेस्टर्न कल्चर में, एसेंशियली एसोसिएटेड वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर वाला सब कुछ को प्रॉफिट के मोटिव से देखते हैं,
ठीक है ना, साइंटिफिक बेसिस, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जरूरी है भाई, जीन को ज़्यादा से ज़्यादा भाई। जैसे ही आप प्रॉफिट पे आ गए, तो जिस काऊ का मिल्क हो रहा है अभी 4 लीटर, उसको सोचोगे कि आप 20 लीटर हो जाए, 10 लीटर हो जाए, तो आप जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करोगे, ऐसा सोचोगे कि भाई इसको बीमारी ना हो, तो डिजीज कंट्रोल करोगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी लाओगे एनिमल्स के लिए। तो जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अर्जेंटीना, उरुग्वे, जो थोड़ी डेवलप कंट्री है ना, वहाँ पर ज़्यादा होता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। समझ गए, दो है ना टॉपिक, एक नोमैडिक हर्डिंग, एक कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर बहुत सारा है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना, तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो टाइप्स हमें डिस्कस करना है, ऑलमोस्ट 10-12 टाइप्स। देखो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के टाइप है सब्सिस्टेंस, प्लांटेशन, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन, उसके बाद मार्केटिंग, गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, मिक्सड फार्मिंग, डेयरिंग फार्मिंग, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, और एक दो और है ऊपर। तो सबको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, फिर आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक ख़त्म होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में उगाए जाते हैं। भाई जैसी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होगी, उस टाइप का एग्रीकल्चर होगा। भाई मान लो आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो आप अच्छे से एग्रीकल्चर करोगे, आपको ट्रैक्टर फैसिलिटी लाओगे, ये लाओगे, वो लाओगे, फर्टिलाइज़र लाओगे अच्छे से। अगर ये सब नहीं है, फिर भी आप एग्रीकल्चर कर ही लोगे, लेकिन वो फैसिलिटी आपको नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला टाइप है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस का मतलब होता है बस मुझे खाना पीना हो जाए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा खुद का कंजम्पशन, फार्मिंग, यहाँ पे लिखा हुआ फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल प्रोडक्ट लोकली। भाई मैं इसलिए ग्रो कर रहा हूँ कि मैं लोकली जितना ग्रो करूँगा मैं कंज्यूम कर सकूँ जितना, मतलब कि मेरे बस इतना उगाना उगना चाहिए कि मुझे कंजम्पशन के लिए कमी ना पड़े। तो उसमें दो टाइप है, एक है प्रिमिटिव, एक है इंटेंसिव। प्रिमिटिव कब होता है? जब पॉपुलेशन भी कम है। इंटेंसिव मतलब पॉपुलेशन उस एरिया में बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इंटेंसिव खेती करनी पड़ी, नहीं तो लोगों का भरण पोषण नहीं हो पाता। सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में होता है स्लैश एंड बर्न। मतलब वो होता है ना कि पहले प्लांट को काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या करते हैं, फिर खेती करते हैं। यहाँ पे प्रिमिटिव टूल एंड टेक्नोलॉजी का यूज होता है। उसके अलावा 3 से 5 साल बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, फिर ये लोग ये इस एरिया को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं, फिर दूसरे एरिया से तीसरे एरिया में चले जाते हैं। होता क्या है पता है, जैसे मान लो एक इस एरिया में आप प्लांट को काट के 3 से 5 साल तक यहाँ पे खेती है, जैसे आपको पता चला भाई यहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन का कोई अदर तो आपको पता ही नहीं कि क्या करें। तो जैसे ही पता चला कि भाई यहाँ का फर्टिलाइजेशन ख़त्म, यहाँ पे आपने छोटे छोटे प्लांट लगा दिए, और उसके बाद आप दूसरे जगह पे चले गए, मेन बड़े बड़े प्लांट को काटने यहाँ पे काटते हैं, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से फिर यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिर से प्लांट आ गया है, तो ज़मीन रीस्टोर कर लेती है अपनी प्रोडक्टिविटी। ध्यान दें, ज़मीन अपनी प्रोडक्टिविटी खुद से रीस्टोर कर सकती है, अगर आप उसको छोड़ दो तो, ठीक है ना। 3 से 5 दिन तक फर्टिलिटी जैसे कम हो, तो आपने पैच चेंज कर लिया। इसका नाम अलग अलग है बहुत जगह पे, जैसे झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मिल्पा बोलते हैं सेंट्रल एशिया मैक्सिको में, उसके बाद है लदांग बोलते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया में, ठीक है ना। आपसे ये पूछ सकता है कि लदांग वर्ड किसको बोलते हैं, या किस चीज़ का नाम है लदांग, ये भी पूछ सकता है। और लदांग वर्ड है जो एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का पार्ट है, किस देश में लदांग वर्ड बोला जाता है ये आपको पता है, या सिंपल ये भी पूछ सकता है मैक्सिको में या इंडोनेशिया में, या मलेशिया में या इंडोनेशिया में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बस बन जाएगा। तो क्वेश्चन होता है भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है, अब क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि 3 से 5 साल का लोग, पहले होता है 10 साल, अब लोग उतना वेट ही नहीं करते, क्योंकि भाई यहाँ से आप पैस बदल के गए यहाँ पे, तो लेकिन पहले यहाँ से आपको यहाँ जाना था, यहाँ जाना था, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी किसी और कोई लोग और खेत कर रहे हैं, तो आप सीधे यहाँ से यहाँ लौटना है, तो आपको जो साइकिल का टाइम था पहले यहाँ से यहाँ, टाइम इन डिक्रीज हो गया। उसके बाद फर्टिलिटी कम गई, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी डिक्रीज होने लगा, उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज होना, यही सब प्रॉब्लम है। उसका नेक्स्ट है इंटेंसिव
सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब आप खेती अच्छे से करते हो, सब्सिस्टेंस इंटेंसिव खेती करते हो कि सब लोग लगे हुए हैं और सब खेती कर रहे हैं। तो इसमें दो टाइप का होता है, एक पैडी की खेती ज़्यादा करते हो, वेट पैडी, और एक होता है अदर देन पैडी। पैडी का मतलब होता है ज़्यादातर राइस की खेती होना, राइस की खेती होना। और आपको पता है राइस की खेती एक खरीफ क्रॉप्स है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे मोस्टली राइस होती है। धीरे धीरे लैंड होल्डिंग स्मॉल होती जाती है, क्योंकि जितना जनरेशन, देखो मान लो ये पहले, हम ऐसे मान सकते हैं पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता होगा, टाइम के साथ साथ सब इंटेंसिव हुआ। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि दोनों पैरेलल है, कुछ एक जगह पे ये हो रहा है प्रिमिटिव और एक जगह पे इंटेंसिव। नहीं भाई, टाइम के साथ साथ पहले ये हुआ होगा फिर ये हुआ होगा, ठीक है ना। मोस्टली एग्रीकल्चर टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज होता हो गया, लैंड होल्डिंग स्मॉल होती गई, लैंड होल्डिंग स्मॉल होती गई, लोगों के पास लैंड तो है लेकिन लोगों के पास पैसे उतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए फैमिली लेबर पे ही डिपेंडेंट होते हैं, मशीन का यूज नहीं करते, पैसे नहीं होते हैं। और मैन्योर यानी जो गोबर वगैरह का या कचरा वगैरह का यूज करते हैं एज ए मतलब फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर, ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यील्ड पर एरिया कि कितना प्रोडक्शन होगा पर एरिया, ये हाईएस्ट होता है, क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपना लेबर देते हैं, लेकिन यील्ड पर लेबर लो होता है। भाई एक खेत है, इसमें यील्ड पर एरिया इसमें हो गया 50 केजी, हम मान लेते हैं बहुत अच्छा, भाई 5 लोग काम कर रहे थे, कितना केजी हुआ, 10 केजी हुआ एक के पास। 50 केजी सुन के हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक के पास तो 10 ही केजी हुआ ना, और दूसरा इंसान है जिसके पास इतना ही खेत है और उसका हुआ 30 ही केजी, उसका यील्ड तो कम हुआ, यील्ड लोएस्ट हुआ, कम हुआ, लेकिन भाई उसका पूरा जमीन अकेले का है, तो टोटल उसके पास कितना हुआ, यील्ड पर लेबर तो 30 केजी हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है अदर देन पैडी, जहाँ पे वीट गेहूँ होती है, सोयाबीन होता है। क्लाइमेट सॉयल ये डिफरेंट होता है किससे, इससे भाई ऑब्वियसली इसमें कोई, इसको ज़्यादा पानी चाहिए, इसको कम पानी चाहिए, ड्राई एरिया चाहिए, तो ड्राई एरिया चाहिए तो वेस्ट गैंगेटिक प्लेन में ये ज़्यादा होता है। उसके बाद नदन चाइना में, नदन कोरिया में, उसके बाद नदन जापान में, इन एरिया सब में ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बहुत आसान है भाई, ये स्टार्ट किसने किया, ब्रिटिश ने, क्योंकि ब्रिटिश को क्या चाहिए था, कैश क्रॉप चाहिए था। ब्रिटिश को ऐसे क्रॉप सिर्फ नहीं चाहिए था जिससे लोग सिर्फ खाना खाए, टैक्स वैक्स मिले, चाहिए उसको ब्रिटिश डायरेक्ट उसको बेच सके, ताकि, तो कैश क्रॉप को ही हम प्लांटेशन क्रॉप कर बोलते हैं। जैसे टी, मतलब प्लांटेशन, दोनों सेम चीज़ नहीं होता है, लेकिन प्लांटेशन क्रॉप अधिकतर कैश क्रॉप हो सकते हैं। टी, चाय की खेती की, कॉफ़ी, कॉफ़ी आपने किया, कोकोआ, कॉटन, वाल पाम, सुअर केन, बनाना, ये सब डायरेक्ट कैश क्रॉप है, लेकिन प्लांट सब उगता है। स्टार्टिंग किसने किया, यूरोपियन ने। इसके फीचर्स क्या क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी लगती है, और इसको अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, मैनेजेरियल सपोर्ट इसको चाहिए। भाई ऐसा थोड़ी है आपको कॉफ़ी के पेड़ लगा के छोड़ दो, भाई नहीं, देखते हो आप कैसे कैसे कितना प्रोसेस में होता है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ऐसे ही नहीं कि हम कहीं पे भी गेहूं या वीट और चावल तो कहीं पे भी उगा देते, लेकिन इसके लिए एक टोपोग्राफी चाहिए, जैसे टी के लिए कि चाहिए माउंटेन वाला एरिया चाहिए, जहाँ पे पानी इसके पेड़ के जमीन पे जड़ पे जमा ना हो, रूट के पास। और इसके लिए कि क्या चाहिए, चीप लेबर चाहिए, ऑब्वियसली चीप लेबर चाहिए, आसाम से लेबर, आसाम में लेबर आते कहाँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सब जगह से एज ए मैनुअल लेबर काम करने आते टी की खेती में। गुड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ऑब्वियसली इसको पहुँचाना भी तो है मेन एरिया के पास। उसके बाद फ्रेंच ने कोकोआ कॉफ़ी की खेती करनी शुरू की वेस्ट अफ्रीका में, यानी अफ्रीका, एशिया, हर जगह ये सब स्टार्ट किसने किया, यूरोपियन ने, ब्रिटिश ने ये सब स्टार्ट किया। सुअर केन की खेती शुरू की वेस्ट इंडीज में, इंडिया में किसकी खेती शुरू की, टी में। तो देखा जितने भी प्लांटेशन क्रॉप है उसको एज ए कैश क्रॉप मान के यूरोपियन ने खेती करनी शुरू की, और एशिया में, अफ्रीका में, हर जगह खेती करनी शुरू की और अपना फ़ायदा उठा, ठीक है।
नेक्स्ट एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कॉरपोरेशन, भाई ध्यान देना है, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल मतलब ग्रेन कल्टीवेशन तो हो रहा है लेकिन कॉमर्शियल मतलब कॉमर्शियल बेसिस पे हो रहा है कि कॉमर्शियल भाई हमें तो बेचना ही है। जैसे इसमें क्या था, इसमें क्या था भाई को खाना था लेकिन इसमें इसको बेचना ही है, तो बेचने वाला जितना भी है ना वो सेमी एरिड वाले ज़मीन पे होता है और मिड लैटिट्यूड वाले एरिया में होता है, ज़्यादातर वीट जितना भी वो है ना क्या बोल सकते हैं ग्रासलैंड के पास, और ग्रासलैंड वहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा होता है, गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो गेहूं प्रिंसिपल गेहूं जनरली तो गेहूं होता है लेकिन इसके अलावा कॉर्न वार्ली ये सब भी होता है, राई ओट्स ये सब होता है। इसमें क्या होता है साइज ऑफ फार्म तो बहुत लार्ज होता है, किसी एक बंदे का इस मतलब फार्म होता है और उसके बाद मशीन का यूज करते हैं उसमें, तो यील्ड पर पर्सन तो हाई होता है क्योंकि पूरा ज़मीन एक ही बंदे का है, लेकिन यील्ड पर एरिया कम होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज होता है, यूरासिया के स्टेपी में, कैनेडियन एंड अमेरिका के प्रेरीज में, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, डॉन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कैंटेबरी प्लेन ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये सब आपको इसलिए भी याद रखना पड़ेगा, ये आपसे सीधा पूछ लेता है कि यूरासिया के ग्रासलैंड का क्या नाम है, तो स्टेपी बोलना होगा, कनाडा और अमेरिका के ग्रासलैंड का प्रायरीज नाम है, पंपास किसका है अर्जेंटाइना, वेल्ड किसका है साउथ अफ्रीका, डाउन किसका है ऑस्ट्रेलिया और कैंटेबरी प्लेन किसका है न्यूजीलैंड। तो आप ये सबको याद करना पड़ेगा। उसके बाद मार्केटिंग गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, सिंपल पता है कि गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब खेती, फ्लावर की खेती करना। देखो जैसे यहाँ पे है हाई वैल्यू ऑफ क्रॉप सच एज फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल इन सब की खेती होती है, फार्म आर स्मॉल एंड लोकेटेड इन गुड ट्रांसपोर्टेड प्लेस, भाई क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल जल्दी ख़राब हो जाता है अगर अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा सीधा मार्केट में तो गया। ठीक है, तो लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव भी चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है नहीं तो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, फर्टिलाइजर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, ट्रक फार्मिंग यहाँ पे यूज होता है। ठीक है ना, तो ठीक है ना, अब कौन कौन है, ठीक है इसमें यही तक रहने देते हैं, एक वीडियो और लगेगा जिसमें ये कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।